ओके यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोग लैंड और लेबर को डिस्कस कर चुके हैं, आज हम कैपिटल को डिस्कस करने जा रहे हैं। कैपिटल कैपिटल हमारा तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल क्या है? कैपिटल कैपिटल क्या है? ठीक है जी, अभी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन या अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं है। इट इज वेल्थ अदर देन लैंड। कैपिटल वेल्थ है, कैपिटल वेल्थ है। इट इज वेल्थ अदर देन लैंड दैट जनरेट्स फर्दर वेल्थ। ये वेल्थ है जो आपको फर्दर वेल्थ जनरेट करके देगा। ये बताओ, रिवर तो नेचुरल था ना, ये नेचुरल है ना रिवर, तो क्या कहते हो? रिवर तो नेचुरल था ना, रिवर तो नेचुरल है ना, जवाब दो। लेकिन उस रिवर पे बनने वाला डैम क्या है? डैम वो डैम किसी ने बनाया है ना, वो डैम भी तो, जब जब रिवर वेल्थ है तो डैम भी तो वेल्थ है ना। लेकिन बस फर्क ये है कि रिवर नेचुरल है और डैम जो है वो मेन मेड है। तो इट इज वेल्थ अदर देन लैंड दैट जनरेट्स फर्दर वेल्थ। ये जमीन के अलावा वेल्थ है जो आपको फर्दर वेल्थ जनरेट करके देती है। तो अब जरा सोचिए जरा कि डैम बनेगा तो क्या डैम बनने से फर्दर वेल्थ जनरेट होगी? जब रोड बनेगा, मोटरवे बनेगा तो उससे फर्दर वेल्थ जनरेट होगी? जब एक जमीन पर फैक्ट्री लगाई जाएगी तो वो फैक्ट्री लगने से और प्लांट एंड मशीनरी लगने से फर्दर वेल्थ जनरेट होगी? कि यह सब चीजें हमें कमा के देती हैं? जवाब दीजिए। इट इज वेल्थ अदर देन लैंड दैट जनरेट्स फर्दर वेल्थ। सर एक कंफ्यूजन हो रहा है सर, अब एक कंफ्यूजन हो रहा है सर। इधर हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इधर हम इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, मसला हो जाता है। एक कंफ्यूजन हो रहा है, हो रहा है, एक कंफ्यूजन हो रहा है, हो रहा है। नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं है, ऐसा ना हो मेरे बोलने से हो जाए। चलो वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। अकाउंटिंग में जिन चीजों को हम एसेट्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में उनको हम कैपिटल बोलते हैं। सर परेशान कर दिया आपने। अकाउंटिंग में जिन चीजों को हम एसेट्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उन सबको हम कैपिटल बोलते हैं। तो फिर इकोनॉमिक्स क्या क्या कहते हैं सर? अकाउंटिंग में तो कैपिटल भी है। तो अकाउंटिंग में कैपिटल बतौर एविडेंस है कि ये तमाम एसेट्स जनरेट करने वाला कौन है? बिजनेस का ओनर ही है, ये उसका लगाया हुआ कैपिटल है। एसेट्स कैपिटल हैं, लेकिन अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस को दो नजरों से देखते हैं, दो एस्पेक्ट्स देखते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के अंदर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो एस्पेक्ट होगा वन साइडेड एस्पेक्ट होगा, सिंगल साइड देखी जाएगी, उसको डबल साइड पे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डबल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम ट्रांजैक्शन की एंट्री पास नहीं कर रहे वहां पर। कहां पर? इकोनॉमिक्स में। तो ऑब्वियसली आपका सरमाया ही क्या करेगा, आपका कैपिटल ही आपको इस काबिल बनाएगा कि आप प्लांट खरीदो, आप मशीन खरीदो, आप रोड बनाओ, आप डैम बनाओ, आप मोटरवे बनाओ। जब तक ये बनाने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप ये तमाम चीजें जनरेट नहीं कर सकते। तो हमने कहा इट इज वेल्थ अदर देन लैंड दैट जनरेट्स
फर्दर वेल्थ। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स क्या है इसकी बेटा? नंबर वन, रोड्स, डैम्स, मोटरवेज, फैक्ट्री, बिल्डिंग, बिल्कुल इक्विपमेंट, सब चीजें हैं। इक्विपमेंट्स, मशीनरी, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो मेन मेड हैं, ये कैपिटल है इकोनॉमिक्स की नजर में, ये किसी ने लगाया हुआ है पैसा। अगर रोड बना है तो किसी ने बनाया है इसको, ये किसी की इन्वेस्टमेंट है। ये डैम है तो ये डैम किसी ने बनाया है। अदर देन लैंड का मतलब इकोनॉमिक्स में लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, तो लैंड इज नॉट कैपिटल, कैपिटल इज अदर देन लैंड, लैंड इज नेचुरल। ठीक है, तो लैंड को अलग फैक्टर के तौर पर कंसिडर किया गया है। तो रोड, डैम्स, मोटरवेज, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, सो ऑन, ये सब चीजें जो है वो कैपिटल की डेफिनेशन में फॉल करती है। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब देखिएगा आगे, द ऑनर ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट। जो कैपिटल लगाने वाला, जो सरमाया लगाने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट बोलेंगे, कैपिटलिस्ट, जिसने सरमाया दिया है, जिसने आपको सरमाया प्रोवाइड किया है रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, मोटरवे बनाने के लिए, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए, इक्विपमेंट बनाने के लिए, वो कैपिटलिस्ट है, सरमाया देने वाला, वो कैपिटलिस्ट है। और वो कैपिटलिस्ट अपना इस कैपिटल पर रिवॉर्ड लेगा, वो सरमाया देने का रिवॉर्ड देगा, रिवॉर्ड लेगा। द रिवॉर्ड ऑन कैपिटल, इस कॉल्ड इंटरेस्ट। जो कैपिटल पे रिवॉर्ड है, वो रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट। इट इज वेल्थ अदर देन लैंड दैट जनरेट्स फर्दर वेल्थ। एग्जांपल्स, रोड, डैम, मोटरवेज, फैक्ट्री बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी। अब जरा समझेगा बेटा बात को, हमारी सबसे पहली एग्जांपल थी फर्नीचर वाली। ओके, समझा रहा हूँ, ये सारी बातें समझा रहा हूँ, फिक्र ना करें। इंटरेस्ट कैसे? इकोनॉमिक्स की नजर से है ना, ये आपको इकोनॉमिक्स की नजर समझा दो, थोड़ा सा सबर करना पड़ेगा इस चीज के लिए। मैंने क्या बोला, अल्टीमेटली चारों पॉइंट जब कंक्लूड करूंगा, अभी तो आप सीख लें, जब चारों पॉइंट्स कंक्लूड करूंगा तो ये सारी बातें कनेक्ट होंगी आपस में, थोड़ा सबर चाहिए होगा इसके लिए। पहली बात याद करते हैं, रिकॉल करते हैं जरा, वो दरख्त वाली एग्जाम्पल ली हमने। ट्री क्या था? नेचुरल रिसोर्स। जवाब दे, जंगल में लगा हुआ दरख्त क्या था? नेचुरल रिसोर्स। कौन सी डेफिनेशन में फॉल कर गया? लैंड की डेफिनेशन में। जवाब दे, फर्नीचर बनाने वाला उधर से क्या हासिल करता है? वुड हासिल करता है, टिम्बर हासिल करता है। कैसे हासिल करेगा? कोई इंसान भेजेगा वहां पर जो दरख्त काटेगा? कोई इंसान भेजेगा दरख्त काटेगा? तो जिस इंसान को वहां भेजा है दरख्त काटने के लिए, उसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलें बेटा?
जिस इंसान को भेजा है दरख्त काटने के लिए उसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोले बेटा, जिस शख्स को वहां भेजा, लेबर, बेहतरीन बात, लेबर, लेबरर, ओके गुड, स्किल की बात हो रही है, लेबर, गुड। दांतों से काटेगा, हाथ से काटेगा, जब कोई इक्विपमेंट चाहिए होगा, इक्विपमेंट चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगी, वो इक्विपमेंट किसी ने इन्वेस्ट किया होगा ना, वो इक्विपमेंट किसी ने बिजनेस में लगाया होगा ना, तो वो इक्विपमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक्स में बेटा, वो इक्विपमेंट किस चीज को, बेहतरीन कैपिटल, कैपिटल। अब जवाब दो, क्या जरूरी है बिजनेस अपने लगाए हुए सरमाए से चले? एक बात कर रहा हूं, अभी सवाल आया इंटरेस्ट कैसे, तो उसका थोड़ा जवाब अभी दे रहा हूं, थोड़ा जवाब बाद में। बिजनेस को सरमाया, देखो अभी इकोनॉमिक्स के अंदर लायबिलिटी की बात नहीं हो रही, अकाउंटिंग में तो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, असल में लायबिलिटी भी एक तरह का कैपिटल है, लेकिन वो अपना नहीं है, किसी और का दिया हुआ है, वो भी तो फाइनेंसिंग है ना। तो बिजनेस चलाने के लिए पैसा किसी और से लिया जा सकता है, मुल्क चलाने के लिए पैसा किसी और से लिया जा सकता है। तो IMF कर्जा दे रहा है पाकिस्तान को चलाने के लिए, तो ये पाकिस्तान का मालिक बन गया क्या IMF? तो इस तरह बिजनेस भी कर्जा लेके चलते कि नहीं चलते? अगर मेरे बिजनेस के पास इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं है तो मेरा बिजनेस क्या करेगा? इक्विपमेंट लेने के लिए क्या लेगा? लोन लेगा। जवाब दें, तो जो लोन से पैसा आया उस पैसे से वो इक्विपमेंट खरीदा गया, यस और नो? अब मुझे उस लोन पे क्या देना पड़ेगा, यानी उस इक्विपमेंट की फाइनेंसिंग के ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जिसने मुझे सरमाया प्रोवाइड किया है इक्विपमेंट खरीदने के लिए, मैं उसको उस सरमाए पे रिवॉर्ड क्या पे करूंगा? रिवॉर्ड पे करूंगा इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूं कुछ यहां तक आपकी दिमाग में बात फिट हुई होगी। अल्टीमेटली मैंने इसको आखिर में कंक्लूड करना है, फिक्र मत कीजिएगा, लास्ट में इसको ओवरऑल कंक्लूजन लेकर आऊंगा मैं इसका, ठीक है जी? तो क्या हुकूमत डैम्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मोटरवेज बनाने के लिए लोन नहीं ले रही क्या बेटा? क्या हुकूमत लोन नहीं ले रही? मेजोरिटी सिस्टम ही लोन पे चल रहा है, पैसा लगाई कोई और रहा है, और जो पैसा प्रोवाइड कर रहा है रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, मोटरवे बनाने के लिए, वो उस पैसे पे क्या चार्ज कर रहा है? ठीक है जी, उस पैसे पे क्या चार्ज कर रहा है? इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो होता है प्रैक्टिकली वो कंपाउंड ही होता है, ठीक है? ठीक है जी, तो रिवॉर्ड ऑन कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसके बहुत सारे नजरियात आपके सामने रखूंगा, थोड़ी देर रुक जाइएगा बस, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है? कोई मसला, कोई परेशानी? चले जी, अब इसको लेके चलते हैं आगे, कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा। ये कैपिटल मैंने रखा, इसकी तरफ लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब की तरफ वापस आऊंगा। आखिर में एक चीज पहले कंक्लूड कर दूं, वो क्या, जरा देखिए, अब देखिए फाइनली लास्ट वन इज व्हाट, हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप ये चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्या है? देखिएगा, समझिएगा, इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन that combines and
coordinates with other factor of production. It is a factor of production that combines and coordinates with other factor of production. ये वो factor of production है जिसका काम है बाकी तमाम factors of production को manage करना. ये business का असल में economics के नजदीक ये असल में business का owner है. बाकी तीन लोग business के owner नहीं. प्रैक्टिकली ये बिजनेस का ऑनर है, ये सबको हायर करता है, ये लैंडलॉर्ड से लैंड हासिल करेगा रेंट पर, ये लेबर को हायर करेगा वेजेस पर, ये कैपिटलिस्ट से सरमाया लेगा किस पर, इंटरेस्ट पर. समझ रहे हैं बात को? इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट कंबाइंस एंड कोऑर्डिनेट्स विद अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि बाकी तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, मैनेज करता है, दैट कंबाइंस एंड कोऑर्डिनेट्स विद अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसे पता है कि कौन से फैक्टर को कितना इस्तेमाल करना है, इसको नॉलेज है, इसके पास आइडियाज हैं. ठीक है जी. अब ऑनर कौन है इसका? ऑनर The owner of this factor is called, क्या कहें उसको, entrepreneur. ठीक है जी. द ऑनर ऑफ दिस फैक्टर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. इस फैक्टर का जो ऑनर है वो एंटरप्रेन्योर है. ठीक है. अच्छा जी, ठेकेदार एंटरप्रेन्योर है कि नहीं, इसका जवाब दे देते हैं बेटा. ठेकेदार क्या होता है, इस पर बात करते हैं. द ऑनर ऑफ दिस फैक्टर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. द रिवॉर्ड on this factor is profit or loss. और इसको जो reward मिलता है, इसको जो reward मिलता है, इसको जो reward मिलता है वो profit loss. Example ही example है बेटा. हाजिर businessman ही असल में क्या हुआ, entrepreneur हुआ ना बेटा. बिजनेस की जितनी एग्जांपल्स ले आओगे उतनी एग्जांपल्स बन जाएंगी बेटा. इसलिए एग्जांपल में कोई लफ्जी एग्जांपल नहीं दे रहा, इसमें जितने बिजनेस लाओगे उतनी एग्जांपल बन जाएंगी. लेकिन अभी बात समझो. ठीक है जी. हाँ, जबरदस्त, बेहतरीन बात. यही वो फैक्टर है जो रिस्क बेयर करता है. द रिवॉर्ड ऑन दिस फैक्टर इज व्हाट, प्रॉफिट और लॉस. ये वो है जो प्रॉफिट और लॉस बर्दाश्त करता है. अगर समझेगा बात को भाई, लैंडलॉर्ड अपना हिस्सा ले जाएगा किस नाम से, रेंट के नाम से. लेबर अपना हिस्सा ले जाएगा किस नाम से, वेजेस के नाम से. कैपिटलिस्ट अपना हिस्सा ले जाएगा किस नाम से, इंटरेस्ट के नाम से. आखिर में जो बचेगा वो किसका, आखिर में जो बचेगा वो किसका बताइए, आखिर में जो बचेगा वो किसका, ऑनर का ना. बच गया तो उसका, नहीं बचा तो, नहीं बचा तो जेब से गया. तो प्रॉफिट और लॉस जो फैक्टर बेयर करता है वो कौन है, वो तो एंटरप्रेन्योर है. यस और नो? अब तफसील समझेगा, इसकी तफसील बाकी है. अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं किसको, जरा देखिएगा, तवज्जो सुनिएगा बेटा बात को. हु इज एंटरप्रेन्योर? ये एंटरप्रेन्योरशिप पूरा सब्जेक्ट है बेटा. एक ये एंटरप्रेन्योरशिप पूरा एक सब्जेक्ट है.
आजकल तो इसके ऊपर ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप होती है बाकायदा एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट के ऊपर. नाउ हु इज एंटरप्रेन्योर, लिखिएगा जरा, देखिएगा बात को. द पर्सन हु बेयर्स द रिस्क ऑफ लॉस, वो जो रिस्क ऑफ लॉस बियर करता है. लैंडलॉर्ड रिस्क ऑफ लॉस बियर नहीं करता, लैंडलॉर्ड रिस्क ऑफ लॉस बियर नहीं करता, लेबर रिस्क ऑफ लॉस बियर नहीं करता, कैपिटलिस्ट रिस्क ऑफ लॉस बियर नहीं करता. ये जो रिस्क ऑफ लॉस है वो कौन बियर करता है? ये जो रिस्क ऑफ लॉस है वो एंटरप्रेन्योर बियर करता है. इसकी कोई और खासियत? द पर्सन हु क्रिएट्स समथिंग न्यू, द पर्सन हु क्रिएट्स समथिंग न्यू, इसके पास आइडियाज हैं, इसका दिमाग इसके इसको नए नए आइडियाज जनरेट करके देता रहता है, ये मार्केट में अपना चूरन बेचता रहता है. तवज्जो सुनने वाली बात है, तवज्जो सुने, ये मार्केट में अपना चूरन बेचता रहता है. देखिए शेजा का बड़ा सिंपल सवाल है, देखें अगर लॉस होता है तो लॉस के अंदर नुकसान आप बर्दाश्त करते कि नहीं करते? तो बाज दफा आपको जेब से पैसे लगाने पड़ जाते हैं, तो कहां से देगा? मतलब पर्सनल रिसोर्स देगा. जो पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है अगर वही पैसा इनफ ना हो बल्कि नुकसान हो जाए, नुकसान होने का मतलब ये होता है कि बिजनेस में लगाई हुई इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, ठीक है? तो अगर उसके पास क्या कहते हैं नुकसान हुआ है तो वो उल्टा बिजनेस, उसके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगी बल्कि उसके बिजनेस में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी. हाँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप सोल प्रोवाइडर भी हो सकता है, ये एंटरप्रेन्योर जो है पार्टनरशिप भी हो सकता है, वो तो बिजनेस का वे है ना. अभी हम आप उस तरफ डाइवर्ट ना हो, अभी आप इसको इसकी तरफ फोकस करें कि भाई एंटरप्रेन्योर कितनी शक्लों में हो सकता है, हम इसकी बात नहीं कर रहे. अभी हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम और थ्योरी नहीं पढ़ रहे, अभी हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. तो डाइवर्जन आपको टॉपिक से हटा देगा, फोकस रखें टॉपिक की तरफ. नाउ देखिए डेफिनेशन समझें. द पर्सन हु बियर्स द रिस्क ऑफ लॉस, द पर्सन हु बियर्स द रिस्क ऑफ लॉस, जो इन तमाम सिचुएशन में रिस्क ऑफ लॉस बियर कर रहा है वो कौन है? एंटरप्रेन्योर है. एंटरप्रेन्योर की पहली प्रॉपर्टी है रिस्क टेकर. अब पहला सवाल करता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो सीए क्वालिफाई करने के बाद जॉब करेंगे, और कितने लोग हैं जो सीए क्वालिफाई करने के बाद अपना बिजनेस करेंगे? जो जॉब करेगा वो जॉब लिख दे, जो बिजनेस करेगा वो बिजनेस लिख दे. तो आज सारे बिजनेस में बन गए सर? दोनों नहीं बेटा, दोनों नहीं. अभी एक सिंपल एक बात कर लो, अभी दो ऑप्शन दे रहा हूं, दोनों. पहले जॉब फिर बिजनेस. जॉब, ये जॉब जॉब वाले होते हैं ना, जॉब वाले अक्सर लोग देते हैं, अक्सर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर क्यों करते हैं जरा बताइए. जो लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं उसके पीछे रीजन बताइए क्या हो. पहला बुनियादी रीजन, काम नहीं करना पड़ेगा शायद ये. दूसरा, फिक्स सैलरी मिल जाएगी. ठीक है जी, अब बताइए जो ये जो आपका लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में बिजनेस फायदे में या सैलरी वाला सबका फायदे में? गवर्नमेंट मुलाजमीन फायदे में या जो क्या कहते हैं बिजनेस वाला फायदे में? तो इस लॉकडाउन का रिस्क किसने बेयर किया? बिजनेस ने बेयर किया या सैलरी तबका मुलाजमीन ने बेयर किया? बिजनेस ने बेयर किया. तो एंटरप्रेन्योर ने बेयर किया भाई, मसला यही है. सैलरी वाला अपनी सैलरी ले जाएगा, उसको फिक्स सैलरी मिलनी. हाँ, वक्त वक्त की बात है, ये तो बात है ना बेटा.
सैलरी वाला अपना सैलरी ले जाएगा, वो ये नहीं बोलेगा लॉकडाउन है, वो ये नहीं बोलेगा। अब बताओ प्रॉपर्टीज का जो रेंट है, वो रेंट देना पड़ेगा बिजनेस को, लैंडलॉर्ड तो नहीं मानेगा भाई लॉकडाउन है, उसको तो अपना रेंट चाहिए। वो ये बोलेगा भाई, अगर लैंडलॉर्ड को ये बोले थे कि लॉकडाउन चल रहा है, मेरा बिजनेस कुछ कमा नहीं रहा, आप रेंट ना लो मुझसे, तो इखलाकी तौर पर तो बोल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली ऐसा बोलना मुनासिब नहीं। क्या ख्याल है? इखलाक एक अलग चीज है, अभी इखलाक से बालातर होकर पढ़ रहे हैं सब चीजें। इखलाक होना एक अलग बात है, इखलाकी तौर पर हम बात नहीं कर रहे। लॉकडाउन में बिजनेस ने बहुत से एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया क्या? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्या लॉकडाउन शुरू होते ही फारिग कर दिया? अगर लॉकडाउन वाला महीना गुजरा है तो कम से कम एक महीने की सैलरी देकर फारिग किया होगा ना, तो फिर भी तो नुकसान बर्दाश्त किया कि नहीं किया बताइए? नुकसान बर्दाश्त किया कि नहीं किया? बर्दाश्त किया। तो मैंने एग्जाम्पल गवर्नमेंट की इसलिए दी कि ताकि कोई ये बोल ना सके ये वाली बात, कौन सी वाली बात, निकालने वाली बात। लेकिन फिर भी एक मंथ की सैलरी देनी पड़ी होगी ना उनको, ऐसे थोड़ी निकाल दिया हो। और निकाला वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, अभी बहुत इसके अंदर क्या कहते हैं सिचुएशन अभी हमारे सामने आएगी वक्त के साथ साथ। अभी पोजीशन है कि ये बर्दाश्त कर सके इसको मंथ के एंड तक, हाँ अगर ये एक्सटेंड होता है और तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। बारह नाम कहीं और निकल गए, तो हमने कहा एंटरप्रेन्योर देखें, अब जो भी जॉब करने के लिए तैयार बैठा हुआ है ना, उसका माइंड सेट है यार कि जॉब जो है उसमें फिक्स अमाउंट महीने का मिल जाएगा, काम भी एक फिक्स टाइम में करना पड़ेगा, अब जब रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन भी मिलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब जो जॉब की तरफ जाता है वो रिस्क टेकर नहीं है। दुनिया में हर बंदा रिस्क टेकर नहीं होता जनाब, रिस्क टेकर वो जो रिस्क टेकर है वो एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी खूबी क्या है? द पर्सन हु क्रिएट्स समथिंग, वो अपना आइडिया लेकर आएगा, यूनिक आइडिया, जिससे वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में यूनिक बना देगा। स्टीव जॉब्स एंटरप्रेन्योर, स्टीव जॉब्स के बारे में क्या ख्याल है? स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी का मालिक, अब तो वफात पा चुका है, लेकिन क्या वो एंटरप्रेन्योर नहीं था? उसने कैसे कैसे डिसीजन लिया आपको पता है इस हवाले से, कैसे कैसे आइडियाज लेकर आया? बिल गेट्स की बात नहीं कर रहा मैं, स्टीव जॉब्स की बात कर रहा हूं। स्टीव जॉब वो शख्स है जिसके दिमाग में ये आइडिया आया कि इनपुट डिवाइस टच फॉर्म में होनी चाहिए, टच फॉर्म। ये जो आज हम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स, ये असल आइडिया स्टीव जॉब्स का ही था। सबसे पहला स्मार्टफोन लाने वाला स्टीव जॉब्स था, उसके बाद इसकी भरमार शुरू हुई है। तो एक बंदा जिसने आइडिया ओरिजिनेट किया, जिसने मार्केट को कुछ नया दिया, द पर्सन हु क्रिएट समथिंग न्यू, अब ये कुछ नया कर करके अपना चूरन बेचता रहेगा, ये दो कैमरों को तीन कैमरे बना देगा, ये तीन को चार बना देगा, कुछ तो नया करना है ना इसने मार्केट में सरवाइव करने के लिए। क्या ख्याल है? ये फ्रंट कैमरे दो कर देगा, ये टॉर्च लगा देगा मोबाइल के अंदर, ये प्रोजेक्टर लगा देगा मोबाइल के अंदर, समझे हैं बात को या नहीं? द पर्सन हु क्रिएट समथिंग न्यू, याद है आपको एग्जांपल दी थी क्यूएमटी के अंदर, याद है आपको एक एग्जांपल दी थी क्यूएमटी के अंदर, पहले जमाने में साबुन था, साबुन पहले जमाने में साबुन था, सिर्फ साबुन ही था, जो कपड़े धोने वाला साबुन था वही इंसान धोने वाला साबुन था। वक्त आगे बढ़ा, कपड़े धोने वाला साबुन अलग हो गया, इंसान धोने वाला साबुन अलग हो गया, वक्त और आगे बढ़ा तो फ्रेग्रेंस सोप आ गया, फ्रेग्रेंस सोप आ गया, खुशबू वाला साबुन आ गया, वक्त और आगे बढ़ा तो एंटी बैक्टीरियल सोप आ गया, वक्त और आगे बढ़ा तो बबलू का साबुन स्लो हो गया, और कोरोना वायरस ने साबित किया कि बबलू ठीक था, हैंड वॉश का जमाना आ गया,
वक्त और आगे बढ़ा, फेस वॉश अलग हो गया, हैंड वॉश अलग हो गया, ठीक है जी, मुंह धोने का मटेरियल अलग है, हाथ धोने का मटेरियल अलग है, सर धोने का मटेरियल अलग है, हर चीज अलग अलग कर दिए। कौन कर रहा है भाई? यही तो कर रहा है यार ये बंदा जो बैठा हुआ है, जो दिमाग चला रहा है, जो अपना चूरन आपको मुख्तलिफ तरीकों से क्या कर रहा है, बेच रहा है। फिर इसने और कमाल किया, इसने मर्दों के शैंपू अलग कर दिए, औरतों के शैंपू अलग कर दिए, फॉर मैन अलग कर दिया, फॉर वुमन अलग कर दिया। ये क्या है बेटा सब कुछ? ये सारे आइडियाज, ये मार्केट को कुछ नया देने वाला कौन है? ये दिमाग है, ये वो थिंक टैंक है जिसके पास आइडियाज हैं, ये वो है जो हुकूमत कर रहा है दूसरों के पैसों पर। ये बात कह रहा है इन सबको मिक्स करके ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो सारे काम करे। बेटा ऐसे तजर्बे जो है ना, फिर वो रिजल्ट जो निकालते हैं, रिजल्ट देखने के काबिल होते हैं, तो वो सारी क्रीम मिक्स करके लगा ली, ठीक है ना, फिर तुम देखते हो फिर चेहरे पर जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं उसके। ये बात, ये जो मिक्स करने वाला काम बोल रहा हूँ मुनासिब नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं कर लेना बेटा। जी बेटा बोलिए, बात समझ में आती है आप सबको? द पर्सन हु क्रिएट समथिंग न्यू जनाब, ठीक है, इसको एक इजाफी टर्म बता रहा हूं आपको, सुनिएगा बेटा, एक इजाफी टर्म बता रहा हूं, इसको मार्केटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं यूएसपी, इसको मार्केटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं यूएसपी। यूएसपी स्टैंड्स फॉर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, क्या बोलते हैं? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। जब भी आप मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो लोग पूछते हैं आपकी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, आपकी प्रोडक्ट में खास बात क्या है, आपकी प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से अलग क्यों है, हम क्यों आपकी प्रोडक्ट परचेज करें। तो आप साबुन लेकर गए हो मार्केट में, तो आपने बोला भाई इसकी यूएसपी ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल सोप है, ये इंसान नहीं धोता बल्कि इंसान पे लगे जरासीम भी धो देता है। आप अपना हैंड वॉश लेकर गए मार्केट में, आपने बोला साबुन तो स्लो होता है, हैंड वॉश तो जल्दी काम करता है। यूएसपी, ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अगर आप कार्स की बात करें, कार्स, गाड़ियों की बात करें, तो जो गाड़ियां ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटोमेटिक, कुछ गाड़ियां मैनुअल होती हैं, कुछ गाड़ियां ऑटोमेटिक होती हैं, तो ऑटोमेटिक गाड़ियां भी तो लॉन्च की गई ना किसी जमाने में, उससे पहले सारी गाड़ियां क्या थी, मैनुअल थी ना बेटा। कुछ गाड़ियों के पीछे लिखा होता है प्रोजमेटेक, प्रोजमेटेक, जिन गाड़ियों के पीछे प्रोजमेटेक लिखा होता है इसका मतलब क्या, ये ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं। प्रोजमेटेक, प्रोग्रेसिव शिफ्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, प्रोजमेटेक, प्रोग्रेसिव शिफ्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। तो ये प्रोजमेटेक गाड़ी जो है वो यूएसपी है कि भाई इस गाड़ी में खास बात क्या है, इस गाड़ी में खास बात ये गाड़ी प्रोजमेटेक है, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये बाकी गाड़ियों से मुख्तलिफ है। हाँ जी, यूएसपी क्या है इस गाड़ी की? सर ये हाइब्रिड गाड़ी है, ये बैटरी पानी और फ्यूल से चलती है, हाइब्रिड गाड़ी, ये फ्यूल कम कंज्यूम करती है, इसका माइलेज 30 से 40 किलोमीटर क्या कहते हैं है एक लीटर के अंदर। अच्छा भाई यूएसपी आ गई, तो जैसे वक्त, बट इसका मतलब क्या, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हर आने वाली प्रोडक्ट को पिछली प्रोडक्ट से बेहतर बनाया जा रहा है। अगर 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 ये ना किया जाए ना बेटा, नए आइडियाज जनरेट ना किए जाए, तो दुनिया में बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेसेस को सर्वाइव करने के लिए अपना कोई चूरन लाना पड़ता है मार्केट में, जब तक वो बिजनेस चूरन ना लाए तो वो बिजनेस फेल हो जाता है। नोकिया, नोकिया तुम्हारे सामने, नोकिया एक वक्त पाकिस्तान में हर वक्त हर बंदे के पास जो फोन था, अगर आप मेजोरिटी पूछोगे भाई कौन सा फोन लोगे, तो लोगों के हाथ में मेजोरिटी जो ऑप्शन था
वो नोकिया का ऑप्शन हुआ करता था कभी, सैमसंग को पूछता भी नहीं था उस वक्त। आज नोकिया कहाँ है बताइए, किधर गया नोकिया, कहाँ है नोकिया, दुनिया से निकल गया, बहुत रेयर है। हाँ नोकिया ने कुछ नया नहीं किया, नोकिया ने न्यू चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया, नोकिया एंड्रॉइड पे नहीं आया, नोकिया एंड्रॉइड पे नहीं आया। तो बताने का मतलब यह है कि भाई वक्त के साथ साथ चीजें क्या हो रही हैं। तो ये सब आइडियाज जनरेट करने वाला कौन है, ये सब आइडियाज जनरेट करने वाला कौन है बेटा, एंटरप्रेन्योर, द पर्सन हु क्रिएट समथिंग न्यू, द पर्सन हु बेयर्स द रिस्क ऑफ लॉस। और अगर उसका आइडिया फेल हुआ तो नुकसान भी वही बर्दाश्त करेगा, और उसका आइडिया अगर कामयाब हुआ तो मेजोरिटी हिस्सा किसके हिस्से में जाएगा, लेबर तो ले जाएगा वेजेस, लैंडलॉर्ड तो ले जाएगा रेंट, और कैपिटलिस्ट अपना इंटरेस्ट ले जाएगा, लेकिन उसके बाद जो ह्यूज अमाउंट ऑफ बैलेंस बचेगा वो किसकी जेब में जाएगा, वो ये आइडिया, जिसने आइडिया दिया है, जिसने रिस्क बेयर किया है। या तो एंटरप्रेन्योर जो है वो ह्यूज प्रॉफिट्स कमाता है, या एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ह्यूज लॉसेस बर्दाश्त करता है, क्योंकि बाकी तीन लोग लॉस बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर होती है? अब क्लोजिंग बात सुनो जरा, क्लोजिंग बात क्या बात करने जा रहा हूं सुनना जरा बात को गौर से। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं आपस में रिलेट करने जा रहा हूं, तो बहुत तवज्जो से सबने बात सुननी है, जरा समझिएगा प्लीज। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं आपस में रिलेट करने जा रहा हूं, करूं, जवाब दीजिए। ओके यार, फर्ज कर लो मेरे पास एक आइडिया है, एक ऐसा बिजनेस, मेरे पास एक ऐसे बिजनेस का आइडिया है जो इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, और अगर वो बिजनेस किया जाए तो वो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस कहलाएगा। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपसे, मजाक नहीं कर रहा। एक ऐसा बिजनेस जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा, लेकिन मेरे पास उसका आइडिया मौजूद है, मैं जानता हूं बिजनेस कैसे होगा। तो अब मेरे पास खुद का सरमाया नहीं है लगाने, सुनिए बात को, तो फिर वो बिजनेस मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, सुनिए, वो बिजनेस मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, बिजनेस बता रहा हूं, फिक्र ना करो, आइडिया छुपाऊंगा नहीं तुम लोगों से, आइडिया रियल आइडिया है। बिजनेस मैं क्यों नहीं कर रहा हूं फिर, चूंकि मेरे पास सरमाया नहीं है, ऐसे ही मेरे पास वो बिजनेस की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है, जवाब दें, तो क्या मैं बिजनेस ना करूं? इकोनॉमिक्स क्या कहती है, क्या मैं वो बिजनेस ना करूं? यानी अगर मैं बोलूं मेरे पास सरमाया नहीं है, मेरे पास फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है, तो क्या मैं वो बिजनेस ना करूं फिर? इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या लगता है? इकोनॉमिक्स कहती है करें, कैसे करें? सर जमीन लें किससे? लैंडलॉर्ड से। उस जमीन पे फैक्ट्री लगाने के लिए लोन लें किससे? कैपिटलिस्ट से, और लेबर हायर कर लें, और आप सब चीजों को मैनेज करें, प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो वो भी आपका। एक बिजनेस है, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जेलेटिन पाउडर, क्या बोलते हैं? जेलेटिन पाउडर। कितने लोग वाकिफ हैं इस प्रोडक्ट से आप में? जेलेटिन पाउडर, जेलेटिन पाउडर बेसिकली इट इज अ प्रोटीन, ये प्रोटीन है एक, और बताइए प्रोटीन का जो सोर्स है वो क्या है, प्रोटीन कहां से मिलता है? प्रोटीन कहां से मिलता है? गोश्त से। गोश्त कहां से मिलता है? जानवरों से। हाँ मिल्क, एग, ठीक है, फिर कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ज्यादातर प्रोटीन कहां से मिलता है? गोश्त से। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए जरा, आप अब सुनिए जरा बात को,
ये जो आप अभी रमजान भी आएगा, जेलीज, जेली जो खाते हैं, जेली जेली, ये लिक्विड होती है, जब आप उसको बनाते हैं फिर ये जम क्यों जाती है? हाँ, जेली हो कस्टर्ड हो, ये जम क्यों जाती है? इसमें जेलेटिन होता है। ये जो आप टॉफी चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, ये टॉफी और चॉकलेट जो है वो जमे हुए क्यों होते हैं? ये टॉफीज और चॉकलेट जमे हुए क्यों होते हैं? इसमें जेलेटिन होता है। बेहतरीन बात, बेहतरीन बात। साबुन जमा हुआ क्यों होता है? इसमें जेलेटिन होता है, साबुन में भी। कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में जेलेटिन इस्तेमाल होता है, यहां तक कि कॉस्मेटिक्स के अंदर भी जेलेटिन इस्तेमाल होता है। तो अगर ये तमाम चीजों में जेलेटिन इस्तेमाल हो रहा है, और जेलेटिन कहां से मिल रहा है? जानवरों के गोश्त से। तो अगर वो जानवर हलाल नहीं है तो फिर क्या क्या करेंगे, जरा सोचिए। अगर वो जानवर वो जानवर जहां से ये जेलेटिन लिया जा रहा है, वो जानवर हलाल नहीं है, तो फिर अब क्या हुआ, जरा बताइए? आपकी जेली का क्या हुआ, आपके कस्टर्ड का क्या हुआ, आपके साबुन का क्या हुआ, आपके कॉस्मेटिक्स का क्या हुआ? जरा सोच के बताइएगा। कन्वेंशनल नेसेटी की तरफ चले गए हम लोग जरा वापस। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कन्वेंशनल नेसेटी ये है, सुनिएगा प्लीज, हमारी कन्वेंशनल नेसेटी ये है कि हम जो साबुन इस्तेमाल करें, हम जो जेलीज इस्तेमाल करें, हम जो कस्टर्ड इस्तेमाल करें, हम जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करें, उसमें जो जेलेटिन हो, या तो वो किसी वेजिटेबल से लिया गया हो या फिर हलाल जानवर से, दो में से किसी एक बात, यस और नो? तो इस वक्त जरा बताइए, ये चॉकलेट्स, टॉफीज, कस्टर्ड्स, जेलीज, कॉस्मेटिक्स, ये दुनिया भर में सब जगह इस्तेमाल होती है। अगर ये चीजें दुनिया भर में सब जगह इस्तेमाल होती हैं, तो फिर जेलेटिन भी सब जगह इस्तेमाल। जेलेटिन का डिमांड लेवल क्या हुआ, जरा सोचिए, जेलेटिन की कितनी जरूरत पड़ेगी दुनिया को? बहुत ज्यादा। तो अगर हम ये बिजनेस करना शुरू कर दें जेलेटिन पाउडर बनाने का, तो हम इसको कहाँ कहाँ पहुंचा सकते हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई कर सकते हैं, आपको आइडिया है? और ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल होगा, कोई आइडिया? अब मैं आपको जवाब देता हूं। दुनिया में, सुनिएगा बात को, दुनिया में हलाल जेलेटिन पाउडर जो सप्लाई करता है मुल्क, वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। दुनिया में सबसे बड़ा हलाल जेलेटिन सप्लाई करने वाला जो कंट्री है वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, थाईलैंड। थाईलैंड इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ हलाल जेलेटिन पाउडर। थाईलैंड इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ हलाल जेलेटिन पाउडर। थाईलैंड इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो हलाल जेलेटिन पाउडर सप्लाई करता है। थाईलैंड हलाल करता है, हलाल। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो खुद इंपोर्ट करता है बाहर से। अब जरा बताइए, अगर हम अपने मुल्क के अंदर इस जेलेटिन पाउडर को बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं, सुनिएगा, अगर हम अपने मुल्क के अंदर जेलेटिन पाउडर को लगाने की फैक्ट्री बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं, तो हम एक तो सबसे पहले अपने मुल्क की जरूरत पूरी करेंगे, फिर उसके बाद हम तरक्की करेंगे इंशाल्लाह, और तरक्की करके हम इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और मिडिल ईस्ट जो है ना, मिडिल ईस्ट, जो अरब कंट्रीज वगैरह हैं, जो सारे के सारे, ये बहुत बड़ी मार्केट है किसकी, हलाल जेलेटिन पाउडर की। थाईलैंड अरब कंट्रीज से दूर है, हम अरब कंट्री के करीब हैं। अगर हम इधर बनाएंगे भी तो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, थाईलैंड के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा होगी। हम सस्ता, रिलायबल, हलाल जेलेटिन पाउडर सप्लाई कर पाएंगे दुनिया भर को। कुछ समझ पा रहे हैं? तो सर फिर आप ये बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? सर आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? सर
सर आप करें ना बिजनेस ही है, सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं अलम के अंदर, आप बिजनेस करें सर। यार क्या करूं यार, मेरे पास आइडिया है, यानी मैं कौन हुआ, मैं एंटरप्रेन्योर हो गया। अब क्या करूं। हाँ अगर मुझे कहीं से कैपिटल मिल जाए तो मेरे साथ कोई कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए ना, मतलब जो पैसा लगाए। तो मैं एंटरप्रेन्योर हूं, पैसा किसी और का लगा रहा हूं, कुछ समझे। जमीन किसी और की इस्तेमाल कर रहा हूं और लेबर कहीं और से हायर कर रहा हूं। तो अब जरा इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए समझिएगा, इन डेफिनेशंस को पढ़िएगा प्लीज प्लीज प्लीज, कहीं और मत जाइएगा। इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट कंबाइंस एंड कोऑर्डिनेट्स विद अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये वो फैक्टर है जो बाकी तमाम फैक्टर्स को एंगेज करता है। तो अगर मुझे कोई कैपिटलिस्ट मिल जाए जो मुझे सरमाया दे दे, अगर मुझे कोई लैंडलॉर्ड मिल जाए जो मुझे जमीन दे दे और लेबर में हायर कर लूं, तो मैं लैंडलॉर्ड को उसका हिस्सा दूंगा रेंट के नाम से, मैं लेबर को उसका हिस्सा दूंगा वेजेस के नाम से, और कैपिटलिस्ट को उसका हिस्सा दूंगा इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है, इस्लाम में इंटरेस्ट हराम है, तो इस्लाम में कैपिटलिस्ट भी प्रॉफिट शेयर करेगा। यानी एक चीज होती है इस्लाम के अंदर मुदारबा, मुदारबा एक मोड ऑफ बिजनेस है, उसको बोलते हैं। उस मोड ऑफ बिजनेस के अंदर एक बंदा मेहनत करता है और एक बंदा सरमाया लगाता है। तो इस्लाम के अंदर जो है वो कैपिटलिस्ट भी प्रॉफिट और लॉस कमाएगा, और इस्लाम के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप मेहनत करने वाला भी प्रॉफिट और लॉस कमाएगा। ठीक है जी, दोनों को नुकसान होगा, दोनों को फायदा होगा। ठीक है, बहरहाल अभी लेकिन अदर देन इस्लामिक सिस्टम जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल पे जो रिवॉर्ड है वो इंटरेस्ट ही है, और एंटरप्रेन्योरशिप पे रिवॉर्ड दुनिया भर में प्रॉफिट या लॉस ही है। उम्मीद करता हूं यहां तक, अब आपको उम्मीद करता हूं कि अब आपने चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपस में रिलेट कर लिया होगा। क्या अब भी आपको क्लियर नहीं है बात, ये प्लीज आपका फीडबैक चाहिए। अच्छा अब एक आखिरी बात, अब सुनिए बात, अब आखिरी बात, आखिरी बात क्या है, बास केसेस में ये सुनिएगा, अब आखिरी बात बड़ी कीमती बात है। बास केसेस में चारों काम, बास केसेस में चारों काम एक ही शख्स कर रहा होता है, वो खुद ही लैंडलॉर्ड होता है, वो खुद ही लेबर भी होता है, वो खुद ही कैपिटलिस्ट भी होता है, और वो खुद ही एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है। यानी बेटा बताने का मतलब ये चार प्रॉपर्टीज हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज किसी एक बंदे के अंदर मौजूद हो सकती हैं एक वक्त में, लेकिन जितना बिजनेस लार्ज स्केल पे होगा, जितना बिजनेस छोटा होगा, उस छोटे बिजनेस में चारों बातें एक ही शख्स में दिखाई देंगी। एक अकेला शख्स ही तुम्हें क्या दिखेगा, लैंडलॉर्ड, एक अकेला शख्स ही तुम्हें क्या दिखेगा, लेबर, एक अकेला शख्स ही तुम्हें क्या दिखेगा, कैपिटलिस्ट, एक अकेला शख्स तुम्हें क्या दिखेगा, एंटरप्रेन्योर। लेकिन जितना बिजनेस बड़ा करोगे, बिजनेस को जितना ग्रो करवाओगे, तो तुम्हें ये चार चीजें अलग अलग होती भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो ये चारों फैक्टर्स किसी एक शख्स के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, और ये चारों फैक्टर्स चार अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। अगर आप एक शॉप रन करते हैं छोटी सी, तो उस शॉप में इन्वेस्टमेंट आपने खुद की, तो कैपिटलिस्ट आप ही हैं। उस शॉप को आप खोलते हैं, आप बंद करते हैं, उसकी इन्वेंट्री आप खरीदते हैं, आप बेचते हैं, तो लेबर भी आप ही है। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी है, तो लैंडलॉर्ड भी आप ही है, और उस बिजनेस को मैनेज भी आप कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर भी आप ही है। तो आप एक वक्त में चार काम कर रहे हैं, समझे बात या नहीं। तो आप सुने बात को, अब सुनो बात को। तो जब आप एक वक्त में चार काम कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स क्या बोलना चाह रही है, सुनो, बड़ी कीमती बात करने जा रहा हूं। जब आप एक वक्त में चार काम कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स ये बोल रही है कि जब तुम एक वक्त में चार काम कर रहे हो, तो तुम ये सोचो कि तुम इस बिजनेस से बतौर लैंडलॉर्ड क्या कमा रहे हो, तुम इस बिजनेस से बताओ बतौर लेबर क्या कमा रहे हो, तुम इस बिजनेस से बताओ कैपिटलिस्ट क्या कमा रहे हो,
और फिर आखिर में सोचो कि तुम इस बिजनेस से बतौर एंटरप्रेन्योर क्या कमा रहे हो। जब तुम चार जब चारों प्रॉपर्टीज तुम में मौजूद हैं तो फिर तुम अपने बिजनेस के चार हिस्से कर लो और चार हिस्से करके सोचो कि अगर ये प्रॉपर्टी मैं किसी और को देता तो कम से कम इतना रेंट मुझे मिलता, अगर मैं खुद कहीं और जॉब करता तो मुझे इतनी सैलरी या वेजेस मिल जाते, अगर जो बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो मैंने किसी बैंक अकाउंट में रखी होती तो मुझे इंटरेस्ट इतना मिल जाता, अगर मुझे बाकी तीन फैक्टर्स के रिवॉर्ड से ऊपर पैसा मिल रहा है तो ये बिजनेस मेरे लिए फायदेमंद है, अदरवाइज ये बिजनेस मेरे लिए क्या नुकसानदेह। तो इकोनॉमिक्स आपको फैसला करने की सलाहियत दे रही है, सलाहियत कि यार अगर चारों फैक्टर्स तुम अकेले हो तो तुम सोचो कि तुम बतौर लैंडलॉर्ड क्या कमा रहे हो, तुम बतौर लेबर क्या कमा रहे हो, तुम बतौर कैपिटलिस्ट क्या कमा रहे हो और तुम बतौर एंटरप्रेन्योरशिप क्या कमा रहे हो। ये मेरी आखिरी बात थी बेटा आज की, जिससे मैंने आपको इन चारों को आपस में रिलेट करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन करेंगे हम अगली क्लास में, और हो सकता है अगली क्लास में हम पहुंच जाएं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की तरफ। कोई मसला हो तो बोलिए, कोई सवाल हो तो बोलिए, बताइए। ठीक है जी, तो उम्मीद है कुछ चीज जो भी कन्फ्यूजन आपके होंगे वो सब क्लियर हो चुके होंगे इंशाल्लाह, बाकी बात अगली क्लास में, यहां तक आज इतना ही रखेंगे, स्टॉप करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।